अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। हम अपना सेकेंड ईयर का 20th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। हम उसका 20.1 टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। और जो कुछ पिछला रिव्यू दे देता हूँ मैं आपको, पिछले रिव्यू में क्या था कि हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा, स्पेक्ट्रा क्या है वो देखा, फिर हमने टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा देखी कि स्पेक्ट्रा की टाइप्स कितनी होती हैं, और फिर जो जे.जे. थॉमसन ने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और विजिबल रीजन के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया था 1885 के अंदर, और उसके बाद उनके रिजल्ट्स को जो एक्सप्रेस किया था वो जे.आर. रेडबर्ग ने जो था उसकी मैथमेटिकल फॉर्म दी थी। और उस जो उसका जो कांस्टेंट था उसको आर और बॉटम सबस्क्रिप्ट में उसमें कैपिटल एच लिखा था, उसकी वैल्यू थी 1.0974 मल्टीप्लाई बाई 10^7 पर मीटर इनवर्स, तो ये 1 लैम्डा की वैल्यू दी थी उसने। अच्छा, आज हमने जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात करनी है। तो हमने कल स्पेक्ट्रम तीन तरह देखे थे, जिनमें एक लाइन स्पेक्ट्रम था, और लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिया था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम्स के अंदर आप जानते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इनफिनिट शेल होते हैं। एक बार याद रखिएगा कि जब हम बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उतने ही शेल हैं। शेल इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो उनमें से किसी शेल में भी रिवॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो शेल हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, और आपका जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसके अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके शेल क्या है, इन्फिनिट है। तो बाल्मर ने सबसे पहले विजिबल पोर्शन के लिए इसकी जो वेवलेंथ थी उसको उसने फाइंड किया था, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था रेडबर्ग ने। और इसके अलावा इसकी और भी बहुत सी सीरीज़ हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, कोई टफ नहीं है ज़्यादा। तो अभी ज़रा स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में क्या किया था कि हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और फिर उस डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई किया था, तो क्या हो गई थी वो जो गैस थी वो ल्यूमिनस मतलब रोशन हो गई थी, और ब्लूइश रेड लाइट। आपको बताया था कि जब भी किसी भी एटम को, थोड़ी सी बात और रिव्यू कर देता हूँ कि हमें अगर हमें किसी भी एटम के बारे में जानना है तो हम उसको ऑक्साइड या डीऑक्साइड कहते हैं। जब हम एटम को ऑक्साइड या डीऑक्साइड कहते हैं तो उसमें से लाइट एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फिर हम उस लाइट को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ आपके जो प्रिज्म है या आपकी स्लिट्स हैं उनके ज़रिए, फिर डिफरेंट कलर का जो पैटर्न बनता है वो स्पेक्ट्रम कहलाता था। तो हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट होता है, हर गैस का स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है, और हम उस स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग उनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ देखकर, उनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सी गैस है, ये कौन से एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम था उसमें भी क्या हुआ था कि ब्लूइश रेड लाइट एमिट हुई थी। ठीक है, फिर उसको एनालाइज किया गया एक डिवाइस प्रिज्म के जरिए या ग्रेटिंग में से पास करके, तो जो उसका बना था आपके सामने स्पेक्ट्रम वो आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ पर अभी तो खैर ब्लैक फॉर्म में दिया हुआ है आपके सामने। अब इसकी भी डिफरेंट सीरीज बनी थी, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी जरा मैं आपको तस्वीर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर हमने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम देखना है तो क्या करेंगे हम इस एटम को क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। एक्साइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा या हमें इसे हीट अप करना पड़ेगा। तो इसके इनफिनिट शेल्स होते हैं। अगर कोई जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा था अगर अपने पहले शेल में, इसमें पहले शेल में, अगर वो पहले शेल से क्या होता है, एक्साइट होता है, तो वो लेमन सीरीज के अंदर जाता है। कौन सी सीरीज के अंदर जाता है, लेमन। वो पहले शेल से एक्साइट होकर सेकंड शेल में गया, या पहले शेल से एक्साइट होकर थर्ड शेल में गया, फोर्थ शेल में गया, फिफ्थ शेल में गया, उससे किसी भी हायर शेल में गया, तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो लेमन सीरीज के अकॉर्डिंग बनेगा। इज़ दैट क्लियर? और उसके बाद अगर आपका आगे उसके बाद सेकंड आती है आपकी बाल्मर सीरीज़, याद रखना जब लेमन सीरीज में, मतलब जब पहले आपके
शेल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में जाता है तो तब जो वो लाइट अमिट करता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एमटी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी के। और इसका फार्मूला क्या है, फिलहाल फार्मूला आपने याद रखना है, इसकी डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। इस फार्मूला से हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से जो लाइट निकलती है लेमन सीरीज में वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की होती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर 1/λ RH 1/1 का स्केयर, 1 का स्केयर मतलब है आपका फर्स्ट शेल, और 1/N का स्केयर, एन मतलब कोई भी, सेकंड शेल में गया तो यहाँ पर 2 पुट कर दें, थर्ड शेल में गया तो यहाँ पर 3 पुट कर दें, फोर्थ शेल में गया तो यहाँ पर 4th पुट कर दें। इज दैट क्लियर? ओके, आगे आगे हमारे पास बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या है कि ये विजिबल रीजन में फॉल करती है, जिसमें से लाइट एमिट होती है, जिस पर 1885 के अंदर आपके जे जे बाल्मर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में रिवॉल्व कर रहा था और जब आप उसको हीटअप करते हैं तो वो सेकंड शेल से एक्साइट होकर किसी हायर शेल में चला जाता है, तो फिर उसका स्पेक्ट्रम देखने के लिए जो सीरीज यूज़ की जाती है वो बाल्मर सीरीज यूज़ की जाती है। ठीक है, और इसके अंदर सिंपल सा है फार्मूला, याद रखना बहुत आसान है, आपको एक याद हो गया तो आपको ये जो पांचों की पांचों सीरीज है इनके आपको फार्मूला याद करना टफ नहीं होंगे। ठीक है, तो लेमन सीरीज में फर्स्ट शेल होता है तो इसलिए 1/1 का स्केयर माइनस 1/N का स्केयर, एन जनरल आ गया, और बाल्मर सीरीज में आपका सेकंड शेल से एक्साइट होता है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 का स्केयर। और इसमें जो लाइट मिट होती है वो किस रीजन में फॉल करती है, आपके विजिबल रीजन के अंदर लिखा होगा यहाँ पर, ये देखें कि विजिबल रीजन के अंदर फॉल करती है। ठीक है, विजिबल रीजन के अंदर फॉल करती है, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म आप देख सकते हैं। 1896 के अंदर रेडबर्ग ने इसके रिजल्ट्स को ऑब्टेन किया था, ये आपकी बुक के अंदर भी ये बात मेंशन है, और ये रेडबर्ग की वैल्यू है, सबके लिए सेम है, जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उनमें ये रेडबर्ग की कॉन्स्टेंट की वैल्यू को फिलहाल याद रखना है, आपने इसका कोई मैथमेटिकल प्रूव नहीं करना है, इसको आप रट्टा लगा लें क्योंकि ये एज एन स्कूज आ जाता है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास पास्चेल सीरीज। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद था, अगर वो थर्ड शेल से, किस शेल से, अगर वो थर्ड शेल से एक्साइट होता है, थर्ड शेल से, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो पास्चेल सीरीज के अकॉर्डिंग बनेगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए वहाँ पर जो हमारे पास होगा ये 1/3 का स्केयर आ गया। ठीक है, तो इसमें जो लाइट जिस रीजन में फॉल करेगी वो इंफ्रारेड होगी, बस पहले दो में डिफरेंट है, पहले में अल्ट्रा वायलेट, दूसरे में विजिबल, और अगले जो तीनों ही हैं उस उन तीनों में ही इंफ्रारेड रीजन में जो आपकी लाइट है वो फॉल करती है। तो 1/λ RH 1/3 का स्केयर माइनस 1/N का स्केयर। ठीक है, वेयर एन 4, 5, 6 सो ऑन, थर्ड से फोर्थ में गया, फिफ्थ में गया, किसी में भी गया है, तो उसका स्पेक्ट्रा जो होगा वो पास्चेल सीरीज के अकॉर्डिंग बनेगा। ओके, फिर आगे ब्रैकेट सीरीज आ गई। ठीक है, वो इन्फ्रारेड में फॉल करती है, अगर अब क्या होगा, अगर चौथे शेल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है हायर शेल के अंदर, तो वो उसको उसका जो स्पेक्ट्रा होगा वो ब्रैकेट सीरीज देगी। इसी तरह पी फंड सीरीज भी में जो जो लाइट फॉल करती है वो इन्फ्रारेड रीजन में, और ब्रैकेट में भी इन्फ्रारेड रीजन में। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, अगर पांचवें शेल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जब आप उसको हीटअप करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, एक ही इलेक्ट्रॉन था ना, अगर वो पांचवें शेल में रिवॉल्व कर रहा था, अगर पांचवें शेल से हायर किसी शेल में जाता है, तो उसका स्पेक्ट्रा देखने के लिए हम पी फंड सीरीज को यूज़ करेंगे। जनरल फार्मूला आपके सामने 1/P का स्केयर माइनस 1/N का स्केयर, वेयर एन इज़ ग्रेटर देन पी, तो एन इन्फिनिट नंबर है, पी हमेशा एन से छोटा ही होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है इसका। अगर हम यहाँ पे टी जे पर 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास लाइमन सीरीज आ जाएगी, और 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास बाल्मर सीरीज आ जाएगी। इसी तरह अगर हम 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास पास्चेल सीरीज, सिमिलरली ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल फार्मूला। इसके अलावा कुछ और बातें हैं कि लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम की बात करते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा इमेजिन करें, चलिए पहले हम लेमन सीरीज की बात कर लेते हैं। उसका फार्मूला ज़रा जहन में रखिएगा, रिकॉल करके रखिएगा। पहले रीजन से अगर सेकंड रीजन में जाता है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अगर पहले रीजन से आप कोई हायर, उससे हायर रीजन में कोई जो लास्ट वाला आपका शेल है उसमें जंप करते हैं, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। जब आपका डिस्टेंस कम होता है तो आपकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है।
ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इज इक्वल टू क्या होता है, एच एक वाई अर्ग में लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम की, तो लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम है क्या? आप अगर पहले शेल से या सेकंड शेल में जाते हैं तो देखें ये डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, मतलब लैम्डा मैक्सिमम है। और अगर आप पहले शेल से लास्ट शेल में जाते हैं तो मतलब आपका लैम्डा क्या है, मिनिमम है। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है ई इज इक्वल टू एच एफ, मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट रिलेशन में होती है और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब है एनर्जी और आपकी वेवलेंथ का भी क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। अगर पहले शेल से दूसरे शेल में जाते हैं तो आपकी वेवलेंथ मैक्सिमम है तो आपकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। आपके पास जो फार्मूला है वो अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँ तो हमारे पास फार्मूला है आपके पास 1 बाय लैम्डा, मैं जस्ट लैम्डा ही लिख लेता हूँ सिंपल। तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो रेडबर्ग कांस्टेंट है वो ठीक है, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। अब अगर हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम आपने फाउंड करना है तो क्या होगा, आपके 1/1 का स्केयर, तो एन के ऊपर आप क्या पुट कर देंगे, 2, मतलब पहले से जो सेकंड शेल में गया है तो आपका लैम्डा क्या देगा, मैक्सिमम। और आपने ये रेडबर्ग जो कॉन्स्टेंट्स की जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपके पास जब ये टोटल आप उसको हल करेंगे तो आपके पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने लैम्डा मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, एन की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर देंगे। 1, ये पहली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी सब के लिए। अगर ये आपका सेकंड सीरीज है, सेकंड सीरीज में यहाँ पर 2 हो जाएगा, अगर थर्ड सीरीज है यहाँ पर क्या देगा, 3, तो उससे जो नेक्स्ट शेल होगा वहाँ तक मिनिमम होगा, लेकिन जो उससे आखिरी वाला शेल होगा, और आखिरी वाला शेल कौन सा है, इन्फिनिट, मैंने आपको बताया शेल क्या है, इन्फिनिट, तो वहाँ पर आपका लैम्डा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा और आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इस तरह आप लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम सब की सब सीरीज़ की निकाल सकते हैं। और ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो एंट्री टेस्ट होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद टेबल ऑफ कंटेंट है, मैं बाद में अपलोड कर दूंगा इसका बनाकर, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपका सेल्फ वर्क है कि आपने लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करना है हर सीरीज़ का, लेमन सीरीज़ का भी, आपका जो आगे फर्दर तीनों सीरीज़ हैं वो भी आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, जब इन दोनों के दरमियान आपको जो लैम्डा वो मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्या है आपकी, मिनिमम है, तो एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो एनर्जी मिनिमम थी तो लैम्डा क्या था, मैक्सिमम। लेकिन आप फर्स्ट शेल से इन्फिनिट शेल में जाएंगे, ये मैंने फर्स्ट सीरीज़ को एक्सपेंड किया है इसलिए यहाँ पर 1/1 का स्क्वायर था, ठीक है। अगर आप लेमन सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। पासिन की बात करेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो सो ऑन। इस तरह आप लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम पांचों की पांचों सीरीज़ के निकाल कर आप साइड पर रख सकते हैं। रेडबर्ग की वैल्यूज आपकी बुक्स में गिवन है, आप वहाँ से उस वैल्यू को अटेन कर सकते हैं और आपके पास 1/λ, फिर आप उसको इन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपके पास लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आज का लेक्चर हम यहीं पर ओवर करते हैं, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर हम बोहर का टर्म मॉडल डिस्कस करेंगे। बोहर के टर्म मॉडल में 2 ही मेजर पॉस्टुलेट हैं और ये आप आई होप आपने केमिस्ट्री में भी इसको रीड आउट किया होगा, लेकिन इंशाल्लाह इसके अंदर जो इसके 2 पार्ट हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आज तक के इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।